गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स। टुडे वी कंटिन्यू अवर सेम चैप्टर एंड द टॉपिक इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आज हम मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ेंगे। द वर्ड मेटामॉर्फिक केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटा विच मीन्स चेंज। तो मेटामॉर्फिक जो वर्ड की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? ग्रीक से हुई। और उनका एक ग्रीक वर्ड है मेटा, जिसका मतलब होता है चेंज होना। एंड मॉर्फ विच मीन्स फॉर्म, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म होना। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर इग्नीशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो इग्नीशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलकर बनी होती हैं। दैट हैव बीन ट्रांसफर्ड अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रेशर की वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। ड्यू टू दिस हीट, इस हीट की वजह से एंड प्रेशर की वजह से दे डू नॉट मेल्ट, ये मेल्ट नहीं हो पाती हैं। रादर द मिनरल इन देम आर चेंज्ड केमिकली, और इसकी वजह से उनके जो केमिकल्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं वो केमिकली चेंज होने लगते हैं टू फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक, और इससे हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। These rocks are more compact and dense. तो ये rocks कैसी होती हैं? बहुत ही ज़्यादा compact. Compact मतलब एकदम सघन होती हैं, densed होती हैं, मतलब बहुत पास पास होते हैं। These rocks are the last common of the all the three types of rocks. तो ये थ्री, जो हमने थ्री टाइप्स की rocks पढ़ी हैं, तो ये उनमें से सबसे ज़्यादा least common है। Marble, slate, quartzite एंड ग्नीस आर सम एग्जाम्पल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मार्बल, स्लेट, क्वार्टाइट एंड ग्नीस, जिन्हें ग्नीस बोलते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं नीज, आर द सम एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। फर्स्ट वन इज मार्बल, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इट इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। तो ये लाइमस्टोन से बने होते हैं। यूजेस, इट इज यूज एज बिल्डिंग मटेरियल फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। तो ये बिल्डिंग मटेरियल्स में इनका यूज़ करते हैं, किसके लिए? उनकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथ, मजबूती देने के लिए। सेकेंड वन इज स्लेट्स, इट इज़ मेड फ्रॉम सील। तो ये सील से बने होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रूफ ऑफ हाउसेस, फ्लोर, टाइल्स एंड स्लेट्स। तो इनका यूज़ हम रूफ के, हाउस के जो रूफ होते हैं वो बनाने में, छत बनाने में करते हैं, और फ्लोर्स, टाइल्स में भी करते हैं। एंड द लास्ट इज नीज, इट हैज़ alternating dark and light color streaks or band। तो ये कैसे होते हैं? इनमें dark और light color का alternation होता है, मतलब एक dark एक light, इस तरह से layers होती हैं। It is used in building house, और building में या houses में इनका use करते हैं। Now the topic is minerals. Minerals are found inside or earth crust. तो ये earth crust के अंदर होते हैं। Most minerals are obtained by digging mines or quarries. तो जब भी mines को खोदा जाता है, digging किया जाता है, तो वहाँ से minerals मिलते हैं। Most minerals are found in the form of ore. तो ज़्यादातर minerals जो हमें मिलते हैं वो ore की form में, ore मतलब खनिज जिसे बोलते हैं, उनकी form में मिलते हैं। Ore are natural solid minerals which contain minerals. तो ore क्या होते हैं? ये नेचुरल सॉलिड मिनरल्स होते हैं और इन्हीं के अंदर मिनरल्स होते हैं। तो बहुत सारे ओर्स से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। दीज मिनरल्स कैन बी एक्सट्रेक्ट फ्रॉम द ओर्स, और इन मिनरल्स को हम ओर से निकालते हैं। सम मिनरल्स सच एज आयरन एंड गोल्ड आर मेटालिक मिनरल्स। तो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जैसे आयरन और गोल्ड, ये कैसे मिनरल्स हैं? ये मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। अदर्स लाइक क्वार्ट्ज एंड कैल्साइट आर द नॉन मेटेलिक। तो कुछ और भी होते हैं जो नॉन मेटेलिक होते हैं, लाइक क्वार्ट्ज एंड कैल्साइट। मेटेलिक मिनरल्स, आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर सच एज हेमेटाइट। तो हेमेटाइट एक आयरन का ओर है और इससे हमें आयरन मिलती है। मोस्ट ऑफ द आयरन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील। तो ज़्यादातर स्टील मैन्युफैक्चरिंग में हम आयरन का यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट एंड कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पायराइट। तो और एल्यूमिनियम किसका ओर है? बॉक्साइट का,
और ऐसे ही कॉपर हमें किससे मिलता है, पाइराइट ओर से मिलता है। तो पाइराइट क्या है, कॉपर का ओर है। मेटल आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स, टूल, मशीन, व्हीकल्स, क्वाइन, ईटीसी। तो ज़्यादातर मेटल से हम क्या बनाते हैं, यूटेंसिल्स, जैसे हमारे घरों में जो बर्तन वगैरह यूज़ हम करते हैं यूटेंसिल्स, वो टूल्स बनाने में, मशीन या गाड़ियाँ वगैरह बनाने में या क्वाइंस बनाने में भी हम मेटल्स का यूज़ करते हैं। लुक एट द पिक्चर, देयर आर मैनी मेटल्स, प्रीसाइज मेटल एंड प्रीसियस स्टोन्स ऑल्सो आर द मिनरल्स। नेक्स्ट टॉपिक, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो मतलब धातु नहीं होते हैं, जिन्हें अधातु कहते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर द मोस्ट वैल्यूबल नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो कोल और पेट्रोलियम क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं बट नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। कोल, कोल मीन्स कोयला, इज़ अ वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम द अर्थ। तो ये हमें अर्थ से मिलता है। इट इज़ अ सेंट्रीमेंट्री रॉक्स, और ये सेंट्रीमेंट्री रॉक्स है, सेंट्रीमेंट्री रॉक्स से निकलता है। लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है, द अर्थ वॉज कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड स्वैम्प। तो बहुत पहले जो हमारी अर्थ थी वो जंगलों से घिरी हुई थी। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स मड एंड न्यू प्लांट्स गॉट डिपोजिट ऑन देम। और बहुत सालों तक इसमें मिट्टी और प्लांट्स इसमें डिपोजिट होते रहे, गिरते रहे, जमते रहे। ड्यू टू इंटेंस प्रेशर द बॉटम लेयर ऑफ द प्लांट मैटर चेंज इंटू कोल्स। और इस तरह से जो पेड़ों की जड़ थी वो धीरे धीरे होते हुए क्या बन गई, कोले में कन्वर्ट होती चली गई। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोल, कोल भी फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पीट, लिग्नाइट, विटामिनस एंड एंथ्रासाइट। पीट वॉज द अर्लीस्ट टाइप ऑफ द कोल टू बी फॉर्म। तो जो सबसे पहले बना था पीट, वो कोला कौन सा था, पीट कोयला था। इट इज़ नॉट यूज ऑफन एज इट गिव ऑफ वेरी लेस हीट वेन इट बर्न्स। जब हम इसे जलाते हैं तो इससे हमें ज़्यादा हीट नहीं मिलती है, तो इसीलिए अब हम इसका यूज़ इतना नहीं करते हैं। लिग्नाइट फॉर्म द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल कोल रिजर्व। तो ज़्यादातर हमारे पास जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका है, लिग्नाइट कोल का है, इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ सॉफ्ट ब्राउन ब्लैक कोल। तो ये कैसा है, ये मुलायम भी होता है, ब्राउनिश ब्लैक, मतलब थोड़ा सा ब्राउनिश ब्लैक शेप में, कलर में आता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन कोल, इसे हम भूरा कोयला भी कहते हैं। विटामिनस इज कॉल्ड सॉफ्ट कोयल, जो विटामिनस कोयला होता है वो सॉफ्ट कोयला होता है। इट वर्न्स विद अ लॉट ऑफ स्मोक, जब ये जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। द बेस्ट कोल एंथ्रासाइट इज ऑल्सो नोन एज हार्ड कोल। तो जो सबसे ज़्यादा बेस्ट कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, और ये इसे हम हार्ड कोल भी कहते हैं। वेन इट वर्न्स, जब हम इसे जलाते हैं, इट गिव्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एंड वेरी लिटिल स्मोक। और जब हम इसे जलाते हैं तो इसमें से हमें अच्छी खासी हीट भी मिलती है और धुआं तो बहुत कम होता है, तो इसीलिए बेस्ट कोयला इज एंथ्रासाइट। ओके, कोयल इज यूज एज अ फ्यूल ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोयले का यूज पूरे संसार में होता है। इट इज यूज टू कुक, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इन स्टील प्लांट टू मेक स्टील। इसका यूज हम कुकिंग में भी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं, और अपने स्टील प्लांट्स में, स्टील को मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ फर्नेस। ओके, कोयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल माइंस फाउंड इन कोल रिच एरिया। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है उन माइन से हम लोग कोयला निकालते हैं। धनबाद, नवेली एंड रानीगंज इन इंडिया है कोल माइंस। तो सबसे ज़्यादा धनबाद है, नवेली है, रानीगंज है, इंडिया के कुछ इन शहरों में कोयला की खाने पाई जाती हैं। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस मैनर, और पेट्रोलियम भी पाया जाता है। द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय हीट एंड वेट ऑफ द रॉक्स ऑन द पाइप्स ऑफ द डेड रोटिंग प्लांट एंड एनिमल्स टर्न इनटू लिक्विड ऑयल। तो इसी तरह से जैसे हमें कोयला मिलता है जमीन के अंदर से, अर्थ क्रस्ट से, वैसे ही हमको पेट्रोलियम भी मिलता है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जब प्रेशर अप्लाई होता है तो हीट, प्रेशर और रॉक्स के वेट की वजह से जो डेड एनिमल्स होते हैं या फिर जो सड़ने वाले प्लांट्स होते हैं उनकी वजह से क्या बनता है, कोयले का, वो सॉरी ऑयल का
फॉर्मेशन हो जाता है और ये लिक्विड फॉर्म में हमको पेट्रोलियम के रूप में मिलता है. लुक एट द पिक्चर. सी प्लांट एंड एनिमल डेड एंड वर ब्यूराइड ऑन ओशियन फ्लोर. तो जब ये जो समुद्र के पौधे होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे समुद्र के फ्लोर पर जाके सड़ने लगते हैं और इस तरह से इनका फॉर्मेशन लिक्विड में होने लगता है जो कि हम पेट्रोलियम के रूम्स में बाहर निकालते हैं. ओवर टाइम देवर कवर्ड बाय द लेयर ऑफ स्लिट एंड सैंड. और धीरे धीरे करके इनके ऊपर सैंड और स्लिट की लेयर चलने लगती है. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर द रिमेन वर ब्योरेड डीपर एंड डीपर. और इस तरह से ये और गहराई में घुसते चले जाते हैं. द इनॉर्मस प्रेशर एंड हीट टर्न इंटू सॉयल एंड गैस. और फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर जब इनके ऊपर पड़ता है वाटर का हीट का, एंड देन दे कन्वर्ट इन पेट्रोलियम, एंड दिस टाइप से फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम होता है. फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम डीजल कैरोसिन एंड नेचुरल गैस आर द ऑप्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम. तो बहुत सारी जो ईंधन है लाइक पेट्रोलियम डीजल कैरोसिन और नेचुरल गैसेस, ये भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलते हैं. दीज फ्यूल्स आर यूज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कुकिंग एंड ऑल्सो टू रन व्हीकल्स एंड मशीन. तो इनका यूज़ हम फ्यूल्स में तो करते ही हैं, साथ ही हम जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनको रन कराने में भी, गाड़ियाँ चलाने में या मशीनों में भी इसका यूज़ करते हैं. अ वैरायटी ऑफ प्लास्टिक आर आल्सो मेड फ्रॉम पेट्रोलियम. तो बहुत सारी प्लास्टिक्स की वैरायटी भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलती हैं. पेट्रोलियम इज़ वेरी यूजफुल इन अवर डेली लाइफ. पेट्रोलियम का हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड. और इसीलिए हम इसे काला सोना भी कहते हैं. The deposit of mines, ore, coal, petroleum under the earth crust are limited. तो बहुत सारे जो minerals हैं, ores हैं, वो हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा नहीं हैं, limited quantity में ही हैं. Once they get exhausted, they will not be replenished even in the thousand of year as it take millions of year और फॉर दिस नेचुरल रिसोर्सेज टू बी फॉर्म. दस दिस शुड बी यूज वाइसली. तो बच्चों इनका यूज़ भी हमें लिमिटेड करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये ख़त्म हो गए तो हम इन्हें नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इनको मैन्युफैक्चर बनने में लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा साले लग जाती हैं. इसीलिए हमको इन्हें वाइसली यानी समझदारी से जितना यूज़ है उतना यूज़ करना चाहिए, अननेसेसरी यूज़ नहीं करना चाहिए. सो स्टूडेंट, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. इन नेक्स्ट वीडियो वी कंप्लीट अवर एक्सरसाइज. तब तक आपका होमवर्क है, आपको इसके टिक द करेक्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स करके लेके आने हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय.